आप लोग ऐसे बस नहीं दिखा रहा हूँ, पसीना देख सकते हैं आप लोग, मेहनत कर रहे हो आप लोगों को दिखाने के लिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर बनता ही है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम लोग बनाने वाला है बेम्बो राइस विथ बेम्बो चिकन। आप लोग ये देख सकते हैं, ये रहा हम लोग का बेम्बो, जिसमें हम लोग बनाने वाला है बेम्बो राइस एंड बेम्बो चिकन। ये रहा हम लोग का चिकन, जो हमने मसाला वसला पूरा ऐड कर चुका है। तो चलिए अभी देखते रहना, इसको पूरा अच्छे से बनाते हैं, मिक्स करते और चावल वावल को डालते, उसके बाद आग में बिठाते और पका के आप लोगों को दिखाते हैं कैसे देखते हैं पूरा लोकल स्टाइल में। चलो बनते रहना मेरे साथ। तो ये रहा हम लोग का मिर्चा पाउडर, जो इसमें हम लोग ऐड करेंगे। इतना काफ़ी है। तो ये रहा हम लोग का हल्दी, बस इतना। ये रहा हम लोग का मीट मसाला, जो कि हम लोग ऐड करने वाले हैं अभी। जितना भी मसाला है सब इधर भी ऐड कर देगा सबको अच्छा से। इतना काफ़ी है मीट मसाला। तो अभी हम लोग डालने वाला है एम ऑयल, तो एम ऑयल का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि बिम्बो तो बाद में जल सकता है, तो उसका वजह से हम लोग एम ऑयल थोड़ा ज़्यादा जलेंगे। चाहो तो और भी डाल सकते हैं, ये बचा हुआ इसको भी डाल देते हैं। तो चलिए अभी करते हैं इसको मिक्स। मेरा ये वाला उंगली काटा हुआ है, तो इसलिए मैंने लेफ्ट हाथ से बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मीट हो गया है रेडी मिक्स करके, तो अभी चलो इसको करते हैं ढलाई। ये रहा हम लोग का चावल, जिसको बोला जाता है बोरा चावल। तो चलिए इसको डालते हैं अभी, बहुत सिंपल ट्रिक से बनाएंगे। इसमें कुछ मिक्स करने वाला नहीं है हम लोग, बस चावल है। ये चावल का खासियत है चिपचिपापन। ऐसा क्या बोलेगा मालूम नहीं, लेकिन वही बोलेगा कि ये बहुत चिपकता है, इलास्टिक, आप लोग बोल सकते हैं इलास्टिक। तो फाइनली गाइस, हम लोग का चावल डाल के हो गया है रेडी। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा है, कितना अच्छे से दिखाई मिल रहे हैं। तो चलिए अभी डालते हैं इसको, मीट को डालते हैं अभी बेम्बो में। चलिए देखते रहना। चलिए गाइस, अभी बारी है हम लोग का चिकन का। तो ये रहा बेम्बो, जो कि साइज़ बहुत अच्छा है, बड़ा है, ताकि मतलब ये मीट अच्छे से मिक्स और अच्छे से पक सकेगा। तो चलिए डालते हैं, देखते रहना। ये गया अंदर, बहुत ही सिंपल है। गाइस यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, ऐसे थोड़ी है जो उल्टा पुल्टा वीडियो डाल दिया। अपना ही कंटेंट है, अपना ही वीडियो है, अपना ही भाषा है, अपना स्क्रिप्ट है, दूसरा का कॉपी नहीं करता मैं बिल्कुल भी। तो ये रहा फूल हो गया, चलो इसको अभी रख देते हैं। तो अभी बारी है नेक्स्ट। तो ये जो बचा हुआ है इसको भी डाल देते हैं अच्छा से, इसको ऐसा ऐसा किया। द मेन मसाला, यही है असली मसाला। तो
चलिए अभी इसको लगाते हैं ढकना। धने का पत्ता जो कि बहुत ही फ्रेश है, इसको हम लोग बनाने वाले हैं ढकना। ऐसे ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, और भी एक लेयर लेंगे, इसको ऐसा करेंगे। ब्राउन करेंगे और आप लोग देख सकते हैं इसमें हम लोग फिक्स कर दिया, इसको ढक्कन लगा दिया। अभी इसको हम लोग आग में नहीं डालेंगे, सबको सेटिंग करा लेंगे पहले। इसका ढक्कन जितना भी बेम्बो है सबका ढक्कन बना लेंगे, उसका बाद ही हम लोग इसको खोल के पानी डालेंगे थोड़ा सिर्फ खाना में, उसके बाद हम लोग बिठाएंगे। चलिए देखते रहना। तो चलिए अभी पिघलाते हैं, पानी डालते हैं उसके बाद हम लोग पिघलाते हैं। तो ये पानी गया अंदर, तो इसको हम वापस ढक देंगे। तो इसको हम लोग पिघलाएंगे अभी। बस काफ़ी है ना, तो ढक्कन चला गया, तो इसको भी इस तरफ से बिठा देगा। तो ये दोनों हम लोग का है मीट, तो ये दोनों को भी मिक्सअप से बिठाते हैं। देखिए इधर इसको ऐसा और ऐसा। तो चलिए अभी करते हैं आग को बड़ा। गाइस देखते रहना। तो गाइस हम लोग का बेम्बू गर्म हो चुका है, थोड़ा थोड़ा उबाल रहे हैं। तो चले इसको करते हैं घुमाई, मतलब हम लोग ये लोग को घुमाने वाले हैं राइट टू लेफ्ट। जैसा भी घुमाओ आपका मर्जी है, लेकिन आप जैसा भी घुमा सकते हैं। हम लोग कोई इसको ऐसा घुमाएगा, कोई इसको ऐसा घुमाएगा, लेकिन दिमाग में रहेगा कि हम इसको ऐसा घुमाया था, उसको ऐसा घुमाया था। चले फिर घुमाते हैं। तो इसको हम लोग घुमाया, इसको भी घुमा दिया। ये लास्ट वाला इतना हिट नहीं मिल रहे हैं, तो इसको हम लोग घुमाएगा नहीं अभी, तो ज़्यादा हीट हो गया आग को। तो इसके लिए इसको हम लोग चिपना से घुमाएगा। तो इसको भी ये रहा। तो चलिए बनते रहे मेरे साथ इस वीडियो पर, और आगे कैसा कैसा पकाना है, कैसा करके पकाना है, कौन सा तरीका से पकाना है, आप सबको मैं दिखाता हूँ। ठीक है गाइस, बहुत ही तकलीफ है यार। आप लोग को ऐसे बस नहीं दिखा रहा हूँ, पसीना देख सकते हैं आप लोग। मेहनत कर रहे हो आप लोग को दिखाने के लिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर बनता ही है। वाह बढ़िया।
तो फाइनली गाइस हम लोग का बेम्बू जीने सब पक चुका है, तो चले इसको अभी सबको उतारते हैं। उतारने के बाद अभी काटते हैं, देखते रहना। तो गाइस ये रहा बेम्बो में बनाने वाला चिकन का सब्जी, और एक है अंदर में फंसा हुआ ये बन पर। ये रहा पूरा निकल गया, तो आप लोग देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है देख के। बेम्बो राइस जो कि देखने के लिए बहुत ही शानदार है, इसको ऐसे छीला जाता है। तो गाइस आप लोग भी घर में ऐसा अच्छा अच्छा रेसिपीज बना सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।